हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश मेवाड़ा। आप देख रहे हैं नीलेश संगीता ऑफिशियल चैनल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वैरायटी, मध्यम पकने वाली वैरायटी और लेट पकने वाली वैरायटी। इसमें से आपको जल्दी में कौन सी बोना है, मध्यम में कौन सी बोना है और यदि लेट बोना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सी बोना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी में पकने वाली वैरायटी की बात करेंगे। फिर इसमें फर्स्ट नंबर ब्लैक बोल्ड है, 2117 दूसरे पे और तीसरे पे अपना 9560 है। ब्लैक बोल्ड को पहले नंबर पे क्यों रखा गया इसका मेन कारण मैं आपको बताऊंगा। ये 85-90 दिनों की वैरायटी है। तनावपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देती है ब्लैक बोल्ड। नाभि काले रंग की होती है तथा दाना बड़ा होता है। इसमें बैंगनी कलर के फूल आते हैं। स्टेम फ्लाईओवर वायरस प्रतिरोधी है। फलियां चिकनी होती है और कम बरसात में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। कीट व रोगों का इस पे बहुत कम अटैक रहता है। तो मैं आपको जल्दी बोने वाली के लिए ब्लैक बोल्ड बताऊंगा और मध्य में बोने वाली टॉप वैरायटी के बारे में अभी हम जान लेते हैं। जो मध्य में बोने वाली पकने वाली जो वैरायटी है RBS 2024 है, RBS 2018 है और TS 2013 है। ऐसे तो मध्य में बोने वाली वैरायटी भी काफ़ी है पर इसमें जो टॉप है RBS 2024 है। ये भी 21-94 दिन की होती है, पकने पर तैयार होता है। येलो मोजक कॉलर रॉट CA सेंसिल है। यहाँ राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सोयाबीन 2017 में जारी किया गया था, यह इसका विकसित किया गया था 30/3/2017। 2024 का दाने का आकार मध्यम गोल होता है। दाने का रंग पीला चमकदार, नाभि का रंग काला, अंकुरण क्षमता लगभग 80-85% और ऊंची किस्में हैं। फूल आने की अवधि 32-36 दिन है। फूल सफ़ेद होता है, पीला मोजक नहीं आता है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। उच्च उत्पादन के कारण शीघ्र ही किसानों में अपना एक मजबूत स्थान बना चुकी है। यह काला राट एवं रूट राट प्रति सेंसिल गुण रखती है। तो मैं आपको रेफर करूंगा इसमें RBS 2024। अब हम लेट बोने वाली में भी काफ़ी वैरायटी, उसमें भी हम देख लेते हैं। तो देर से पकने वाली वैरायटी में RBSM 1135, KDS 726 और 1516। तो मैं आपको देर से बोने वाली वैरायटी में RBSM 1135 का बोलूँगा। दाने का आकार मध्य बोल्ड पीला चमकदार, विपरीत जलवायु परिस्थिति में भी अपना उच्च प्रतिरोधकता एवं सहनशीलता के कारण अच्छा उत्पादन होता है RBSM 1135 का। वैज्ञानिक डॉक्टर VK तिवारी व डॉक्टर SR रामगिरी उनकी टीम ने 100 ट्रायल के पश्चात इस बीज को विकसित किया गया था। 2019 से 2020 में लगातार 2 वर्षों में भारत में एक ही नहीं दो बार गोल्ड लेने वाली भारत की यहाँ एकमात्र किस्में हैं जो RBSM 1135 है, वो जो कि अपनी गुणवत्ता स्तर को स्वयं ने सिद्ध किया है। अब मैं आपको बता दूं, सोयाबीन 1135 की जड़ें गहराई में रहती है जिसके कारण सूखा विपरीत मौसम में भी इसका उत्पादन उच्च रहता है। इसका उच्च उत्पादन रहने का कारण है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, रूट है, वो मैक्सिमम गहराई यानी कि जो सोयाबीन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गहराई में पहुँचने वाली जो वैरायटी सोयाबीन की है उसमें सबसे अंदर गहराई में जाने वाली वैरायटी यानी जिसका रूट, जिसकी गहराई
जड़े है वो RVSM 1135 की है। तो यदि आप चैनल पे नए हो या चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर